डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमेशा की तरह कुछ खास सेगमेंट्स के जरिए आज भी कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। ये सेगमेंट्स है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इनके जरिए कृषि क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों और आधुनिक तकनीकों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मंत्रालय से। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आइए रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। परिवर्तनशील जलवायु के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके खेती करना ही जलवायु अनुकूल खेती कहलाती है। एक ICR की रिपोर्ट के अनुसार, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, 310 जिले हमारे देश में ऐसे हैं जो कि जलवायु के प्रति काफ़ी रिस्क जोन में आते हैं, उन पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से एक आकलन के अनुसार 2050 तक हमें 3-10% तक उपज में कमी जलवायु परिवर्तन के कारण होने की संभावना है, तो इसलिए हमें और ध्यान देना है। इसी तरह से 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर 5% मानसून बढ़ जाता है, तो किसान भाइयों आप कहेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात जरूर है, लेकिन जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, एक साथ इकट्ठा कभी भी जब हम नहीं चाहते हैं तब पानी आ जाता है तो वो फसलों को नुकसान करता है, तो उससे भी हमें बचना है। इसी तरह से मृदा स्वास्थ्य को भी जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी नुकसान होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो माइक्रो फ्लोरा और फौना को नुकसान होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कीट व्याधियां भी काफ़ी आ जाती हैं, आर्द्रता होती है तो उससे व्याधियां काफ़ी आ जाती हैं, और कीट का भी तापमान बढ़ने से जो प्रजनन उनकी क्षमता बढ़ जाती है। आजकल आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश के कई भागों में टिड्डी दल का प्रकोप देखा गया है, या तापमान बढ़ने के कारण, उनकी प्रजनन दर बढ़ने के कारण ही हो रहा है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाता है वातावरण में, तो पौधे उसको अवशोषित करते हैं, तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों कि उसमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी हो जाती है फसलों में, जो कि दलहनी फसलों के लिए बहुत घातक होता है, तो इसलिए उनका भी हमें ध्यान देना होगा। अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 109 प्रजातियां जो राष्ट्र को समर्पित की हैं, उसमें काफ़ी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हैं, उनको भी आप अपना सकते हैं। ये जो 109 प्रजातियाँ हैं या 61 फसलें हैं, और जिसमें से 34 कृषि की फसलें हैं और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जिसमें फील्ड क्रॉप्स 69 हैं, अनाजों की 23, दलहन की 11, तिलहन और चारे की 7-7, शक्कर की 4, रेसे की 6, पोटेंशियल क्रॉप्स की 11। इसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की 40 फसलें हैं, उसमें फलों की 8, सब्जियों की 8, ट्यूबर क्रॉप्स की 3, मसाला की 6, प्लांटेशन क्रॉप्स की 6, फूलों की 5 और मेडिसिनल प्लांट्स की 4 फसलें हैं। इसमें काफ़ी फसलें क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, जैसे कि CR धान 416 जो कि कटक केंद्र द्वारा विकसित की गई है, इसमें 4.9 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल जाती है और यह कोस्टल एरिया के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है, वहाँ काफ़ी अच्छी उपज देती है। इसी तरह से जो पूसा गेहूँ सरबती है, गेहूँ की वैरायटी है, यह इंदौर केंद्र द्वारा विकसित की गई है, यह भी हीट और ड्रॉट के प्रति टॉलरेंट वैरायटी है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, इसमें जिंक की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और इसकी उपज भी भरपूर 3.3 टन प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ को अपनाकर देश के उत्पादन में अपना योगदान दें और अपनी भी आय बढ़ावें। आइए कार्यक्रम में देखते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में कृषि तथा संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान भारत फेलोशिप लॉन्च की गई। आइए देखते हैं। पूसा में कृषि तथा संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा हेतु आसियान भारत फेलोशिप लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारी एवं आसियान से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले कुछ समय में कृषि शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस काम में गंभीरता पूर्वक लगी हुई है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की हितैषी सरकार जो लगातार किसानों के हित की चिंता करते हुए आगे बढ़ रही है, तो हम उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हमारे लगातार जारी है, चाहे सिंचाई हो, चाहे अच्छे बीज हो, उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास हमारे लगातार जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं आज कहना चाहता हूँ, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से ये प्रारंभ हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से, अब तक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में, उत्पादन के ठीक दाम मिले उसकी कोशिश भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना, और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार को करें। प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई हो जाए इसका प्रयास हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कृषि का विविधीकरण, केवल गेहूं धान नहीं, गेहूं धान भी पैदा करेंगे, लेकिन फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी और उसके साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करने का मन में इरादा है, ताकि किसान फायदा उसको ज़्यादा हो और सुखी और समृद्ध हो। किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात जो हमारे कृषि राज्य मंत्री कह रहे थे, मृदा का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और इसलिए अब आगे जबरदस्ती नहीं, मन से हम किसानों से आग्रह करेंगे कि खेत का अगर 5 एकड़ खेती है तो आधे एकड़ में प्राकृतिक खेती करके देखो, देखो धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना भी है। अगर ऐसे ही ये केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता रहा तो एक दिन वो आएगा कि धरती माता कुछ भी पैदा करने से इनकार कर देगी, बंजर हो जाएगी। पूरी दुनिया में चिंता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पूरी खेती, प्राकृतिक खेती का मिशन आपके सामने किसान भाइयों बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी पूरी रूपरेखा बन गई है। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सही ढंग से प्राकृतिक खेती अगर की जाए, बीजामृत, जीवामृत सबका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए, तो प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों से जितना उत्पादन होता है, प्राकृतिक खेती में भी उतना ही उत्पादन होगा और फसल गुणवत्तापूर्ण होगी, उसके रेट भी ज़्यादा मिलेंगे और जनता के स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत बेहतर होगी। इसलिए प्राकृतिक खेती जैसा मिशन भी प्रारंभ होने वाला है। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। इसे लेकर मत्स्य पालन विभाग ने कृषि भवन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, आइए देखते हैं। दिल्ली स्थित कृषि भवन में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किए जाने के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी, संयुक्त सचिव सागर मेहरा एवं मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में इसरो क्या कुछ फायदा पहुंचा सकता है, इसे लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, हम लोगों को सहयोग इसरो से और सैटेलाइट सिस्टम से, स्पेस टेक्नोलॉजी से फिशिंग के क्षेत्र में काफ़ी मिल रहा है, इसलिए कि जो मछली उत्पादन के साथ विशेष तौर पर समुद्री जो क्षेत्र में जो मछुआरे भाई जाते हैं वो बहुत ही खतरों में रहते हैं, और उनको उनकी चिंता करना, उनके उनको खत
आने वाले खतरे से आगाह करना, ये सारी टेक्नोलॉजी विकसित इसरो के सहयोग से किया जा रहा है और सैटेलाइट के माध्यम से उनको समय पर सूचनाएं दी जा रही है, 72 घंटा पहले सूचना प्राप्त हो रही है। तो इस तरह का सहयोग अगर होगा स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, तो हमारे मछुआरा भाई जो डीप सी फिशिंग में जाते हैं, गहरे समुद्र में मछली उत्पादन के लिए जाते हैं, वो अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए आज हम लोग इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में आज मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े क्षेत्र पर चर्चा हम लोगों ने की। एक्सपोर्ट को हम लोग अभी हम 60,000 करोड़ रुपया सालाना कर रहे हैं हम निर्यात, लेकिन हम उसको बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा विभाग काम कर रहा है कि हम उसको कितना हद तक आगे बढ़ा सकते हैं और हमको बढ़ाने का के लिए हमारी क्षमता भी है, हम उसको विकसित कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग गहराई से चर्चा कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी ने कहा, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी नवाचार हो रहा है, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको फिशरीज सेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करें। जैसा अभी डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी ने बताया सर, कि जितनी भी मॉडलिंग हमारी ICR की संस्थाएं या इसरो करता है, उससे हम फिशिंग ग्राउंड्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, सेलिनिटी, करंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जांच सकते हैं, जिससे न केवल मछुआरों की सिक्योरिटी और सुरक्षा बढ़े, लेकिन डिपार्टमेंट और फील्ड इंस्टीट्यूशंस की कार्यशैली में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो वो भी लाया जा सके। आई थिंक दैट इज़ दी बेसिक पर्पस। तो इन्होंने सर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया, AIS है, डिस्ट्रेस अलर्ट सिग्नल्स हैं, नेविक है, और आपने पार्लियामेंट के भाषण में नेशनल रोल आउट स्कीम पे भी बल दिया था। 364 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमें बड़ी खुशी है कि हम इसरो के साथ इतने बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिसको ट्रांसपोंडर्स के माध्यम से मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड बोट्स पे लगाया जाएगा। और बड़ी बात यह है सर कि आज के दिन GSAT-6 के माध्यम से उसको रोल आउट जोड़ा जाएगा, और GSAT-6 का ट्रांजिशन अल्टीमेटली फिर GSAT-32 पे होना है, जिससे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी सर इसमें जुड़ पाएंगे। और जो आपने एक विजन रखा है कि हम मरीन फिशरीज़ में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, मरीन फिशरीज़ में हम फिशिंग करें और देश की इनकम बढ़े, उससे भी हम बहुत बड़े पैमाने पे सर जुड़ पाएंगे। इसी के साथ साथ सर एक और टेक्नोलॉजी है इसरो की, OceanSat-3, जिसके साथ हम जुड़े हैं और हमने 30 करोड़ की कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से की है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग, जो फिशरी सेक्टर के लिए बहुत रिलेवेंट है, उसमें भी हमारा सर योगदान है। तो हम OceanSat-3 में भी भागीदार हैं। और सर अभी हमने एक प्रयोग आपकी लीडरशिप में और शुरू किया है कि फिशरी सेक्टर में ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी फिश ट्रांसपोर्टेशन पर कैसे की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर जोर किया है। तो जैसे जैसे हम ड्रोन्स की एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे, हम ये भी टेस्ट करेंगे कि इसरो के ट्रांसमीटर्स के जरिए ड्रोन्स को हम कैसे लिंक करें और फिश ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दें। फिशरी सेक्टर 7-8% ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ रहा है, तो हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम इस अपना एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एग्रीकल्चर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ सकें। इसका रिव्यू भी हुआ था। पहले हमने एक छोटा सा कमांड सेंटर अपने आप बनाने की बात की थी, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर ने विकसित कर रखा है, तो उन्हीं टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशंस को जोड़ते हुए हम उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यहीं सेटअप करेंगे, ताकि हम भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कपास और दलहन फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं, वो भी प्रभावी पोषण प्रबंधन के जरिए। कपास और दलहन फसलें बहुत ही संवेदनशील होती हैं और इनकी बेहतर उपज के लिए संतुलित पोषण का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मिट्टी की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे प्रमुख पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हैं। अगर मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है तो उसे संतुलित मात्रा में देना चाहिए। इसके अलावा जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग भी
फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। जैविक खाद का उपयोग करने से न केवल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, बल्कि यह फसल की जड़ों को भी मजबूत बनाती है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों का सही तरीके से अवशोषण करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही संतुलित सिंचाई पर ध्यान देना भी जरूरी है, ताकि पोषक तत्वों का सही तरीके से अवशोषण हो सके और फसल की वृद्धि में सुधार आ सके। एक और महत्वपूर्ण पहलू है फसल के विकास के विभिन्न चरणों में सही पोषण का समय पर प्रबंधन। बुवाई से लेकर फसल कटाई तक हर चरण में सही पोषण का ध्यान रखकर आप फसल की उपज और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के उपाय अपनाकर आप न केवल अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज ही इन उपायों को अपनाएं और अपनी फसल की उपज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। परंपरागत तौर पर चली आ रही फसलों की खेती के बजाय अगर किसान कुछ खास फसलों की खेती करे तो उन्हें अच्छा मूल्य मिल सकता है, जैसे कि बेबी कॉर्न। इसकी खेती किसानों को काफी मुनाफा दिला सकती है। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है, पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं। किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुई है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक खाद डालते हैं। मेड़ बनाने से पहले किसान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस
और लगभग 8 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ मिट्टी में मिला देते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। इसके बाद किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या लगभग एक बीता ऊंची मेड़ बनाकर बेबी कॉर्न की कृषि आरंभ करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट हो। इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेने के बाद किसान बुआई आरंभ करते हैं। बुआई के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज से बीज की दूरी लगभग एक बीता हो और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ना हो वहां टपक या फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मक्के और गन्ने की कृषि एक साथ करते हैं। हर 15 से 20 दिन में किसान मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है जिससे बेबी कॉर्न का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न के पौधों के ऊपर पूंछ के आकार की मंजरी दिखने लगी है जो खिलकर फूल का रूप ले लेंगी। ये पौधों में बालियां आने का संकेत है। किसान समय दर समय अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। खरपतवार एवं सिंचाई का सही प्रबंधन और सही कीटनाशक के उपयोग से खेत को बचाते हुए किसान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों पर लगी बेबी कॉर्न की बालियां अच्छी गुणवत्ता वाली हों। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यान पूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो एक एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। इसके साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एआई एंकर भूमि आपके लिए क्या जानकारियां लेकर आई हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पहल की जिसने ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
यह पहल है ई पंचायत। ई पंचायत का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के कामकाज को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, जिससे हर नागरिक को पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता देखने को मिल सके। ई पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों की योजनाओं, बजट और विकास कार्यों की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीण जनता को यह जानने का मौका मिलेगा कि उनकी पंचायत में क्या क्या कार्य हो रहे हैं और उनके लिए आवंटित धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इस पहल से पंचायतों में जवाबदेही भी बढ़ेगी, क्योंकि हर गतिविधि की जानकारी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिसे कोई भी देख सकता है। ई पंचायत का एक और बड़ा लाभ ये है कि इससे पंचायतों के कामकाज में समय की बचत होगी और प्रक्रियाएं भी सरल होंगी। सरकार का मानना है कि ई पंचायत के माध्यम से ग्रामीण विकास में गति आएगी और ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। ये पहल डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करती है, जहां हर क्षेत्र में तकनीक का सही उपयोग कर लोगों के जीवन को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। तो किसान भाइयों और बहनों, ई पंचायत के साथ हम सभी मिलकर एक सशक्त और पारदर्शी ग्रामीण भारत का निर्माण कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके ज़रूर काम आएंगी। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshandk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए और सभी जानकारियां फिर से हासिल करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्जियों के रूप में कुदरत से हमें एक बड़ा खजाना मिला है हमारी सेहत के लिए। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। कि दिमाग में कब आया कि उसको एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? करीब 55 से 60 लोग काम कर रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर में मिला के। 1 crore का मैं मंथली रेवेन्यू है। मैं गुलशन शर्मा आ रहा हूँ अपने स्टार्टअप सफर के साथ। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4:00 सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप जानते हैं, जौ बाजरा के सेवन से बढ़ता है हीमोग्लोबिन। सुधरता है खून और बढ़ती है ताकत। इन मोटे अनाजों को देंगे पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। बिखरे तिनके के जुगलबंदी और पोषण का अनोखा संगम, मोटा अनाज एक जागरूकता। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। छोटे छोटे कदम एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाह, प्रकृति को बचाने की जिद। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9:00 दूरदर्शन किसान चैनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएलके ट्रैक्टर।